सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। थोड़ा टेढ़े रहोगे तो चलते रहोगे, पूरे सीधे हो गए तो बात खत्म। कोई और इल्जाम रह गया हो तो वो भी दे दो। हम तो पहले से बुरे थे, अब थोड़े और सही। किसी को बांध कर रखना फितरत नहीं मेरी, मैं स्नेह का धागा हूँ, मजबूरी की जंजीर नहीं। आज का पंचांग 21 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 11:12 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र रात्रि 9:51 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:00 से 3:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:00 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। मकर राशि 21 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार, आप उन बदलावों के बारे में सोच रहे हैं जो शायद आपके काम और आपकी सेहत के बीच संतुलन ला सकते हैं। आप अपने किसी करीबी दोस्त से इस संबंध में मेल करके समाधान पूछ सकते हैं। इन बदलावों से आपको आराम मिलेगा। आप अपने आप को फिलहाल सही आदमियों के साथ पाएंगे जो आपको आपके विभिन्न लक्ष्यों का उद्देश्य निर्धारित करने में मदद करेंगे। घर में कोई धार्मिक आयोजन संबंधित गतिविधियों की योजना बनेगी। पारिवारिक तथा व्यक्तिगत मामलों में आपके द्वारा लिए गए निर्णायक सकारात्मक रहेंगे, निर्णय सकारात्मक रहेंगे। साथ ही आपकी किसी योजना के क्रियान्वित होने से मन में खुशी और सुकून रहेगा। मन में बढ़ती हुई दुविधा की वजह से स्वभाव में बदलाव नजर आएगा, लेकिन नकारात्मकता को आप अपने जीवन पर हावी न होने दें। मित्रों के साथ की गई चर्चा की वजह से समस्या का हल प्राप्त हो सकता है। करियर से संबंधित ठोस निर्णय लिया जा सकता है। अपने क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ संबंध सुधरते हुए नजर आएंगे। पार्टनर की नाराजगी का कारण जानने की कोशिश करें, पेट से संबंधित इन्फेक्शन हो सकता है। सेना भर्ती में अनुकूलता रह सकती है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। कोई विवाद समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, मामा पक्ष से किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अपने वाणी और जिद्दी स्वभाव को नियंत्रण में रखें। दूसरों की बातों में आकर गलत निर्णय भी ले सकते हैं। इन सब बातों पर ध्यान रखकर आप गलतियों से बच सकती हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएगी। पति पत्नी का भी आपस में सामंजस्य पूर्ण व्यवहार बना रहेगा। इस समय आपको अपने परिवार से वित्तीय मांगों की सूची मिल सकती है, या आपके परिवार के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है और आपको उन्हें पूरा करना होगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि ये आपको अत्यधिक लगे, लेकिन ये वास्तव में उचित है। लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि आप सभी की उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम हैं और ये चीज आपके रिश्ते को और गहरा करेगी। बात करते हैं करियर की। आप स्वभाव से गंभीर हैं और अपने कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता का फल अब मिलने का समय है। दिन के अंत में प्रमुख वित्तीय लाभ की भी संभावना है, जो आपने ईमानदारी और कड़ी मेहनत से अर्जित की है। लेकिन आपको केवल जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना से कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि कार्यों को करने में हास्य की भावना विकसित करें, ताकि आपको कार्य करते हुए आनंद की प्राप्ति हो। व्यापारिक गतिविधियां व्यवस्थित रूप से चलती रहेगी। नौकरी में अधिकारियों से बातचीत करते समय अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रण में रखें, क्योंकि परिस्थितियों को शांतिपूर्ण तरीके से ही सुलझाना आसान होगा। बात करते हैं सेहत की। आज आपको आराम करने की जरूरत है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पूरा दिन सोफे पर लेटे हुए जंक फूड खाते रहें। आपको आराम के लिए कुछ रिलैक्स करने वाली तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए या किसी प्रोफेशनल से मसाज करवानी चाहिए। अपने खाने का ध्यान रखें। आपको जंक फूड पसंद तो बहुत है, लेकिन वे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं।
आपको अपने स्वास्थ्य का और बारीकी से ध्यान रखना होगा। आज का उपाय, आज आप पूजा घर में हल्दी की माला लटकाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।